उसमें हमें फलन दिया गया था और मैं कह रहा था मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करो। तो जो फलन दिया गया था उसका हम एक बार अक्ष के साथ फलन करते हैं, फिर उसको जीरो के बराबर रखते हैं, फिर एक्स की एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उस फलन का हम दोबारा अवकलन करते हैं और एक्स की वैल्यू उसमें रखते हैं। अगर आपका फलन का दो बार अवकलन का मान अगर धनात्मक आया तो वो जो एक्स का मान आया है उसको बोलते हैं बिंदु। तो उस बिंदु पे फलन आपका क्या है, निम्नतम है। और अगर दो बार अवकलन का मान है वो आपका ऋणात्मक आया तो उसको कहते हैं इस बिंदु पे मान क्या आपका उच्चतम है, और वो मान फलन में रखकर हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.6 में। इसमें डिफरेंस केवल इतना ही था कि आपके जो पहले के जो क्वेश्चन के हैं एक्सरसाइज 8.5 था उसमें आपको फलन दिया हुआ था, अब 8.6 और विविध प्रश्नमाला में आपको फलन बढ़ाने पड़ेंगे। यानी पहले तो हम क्या करते हैं, फलन बढ़ाते हैं। फलन कैसे बढ़ाते हैं, हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा फलन किसको बढ़ाना है। क्वेश्चन में कह देगा कि आयतन अधिकतम है या क्षेत्रफल न्यूनतम है या परिमाप अधिकतम है। तो अधिकतम और ये न्यूनतम, जिसका नाम अधिकतम के साथ या न्यूनतम के साथ जुड़ा होता है उसी का फलन बनाते हैं। अगर मान लो जैसे आयतन का नाम अधिकतम के साथ जुड़ा हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, आयतन का फलन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई उसके हिसाब से। फिर उसका हम एक बार अवकलन करेंगे, उसको जीरो के बराबर करके बिंदु निकालेंगे, फिर उसका दोबारा अवकलन करेंगे, वो बिंदु उसमें रखेंगे, मान अगर धनात्मक आ गया तो आपका मतलब जो फलन आपने बनाया है वो न्यूनतम के लिए बनाया, अगर मान ऋणात्मक आ गया तो फलन आपने बनाया वो उच्चतम के लिए बनाया। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चनों को हमें हल करते हैं। अब आपका विविध प्रश्नमाला का लास्ट क्वेश्चन है, उस वो भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स √3 होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.6 की एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स 37 था, उसमें यह था कि आपका आयतन तो महत्तम है और तीर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है, तब शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स √2 होता है। ये निकालना था हमें, यहाँ निकालना है आपको साइन इनवर्स 1/3। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लग रहे हैं, तब आपको उसका थोड़ा कंपेरेटिव बता रहा हूँ। तो उसमें तो हमें तीर्यक ऊंचाई क्वेश्चन कह रहा था कि आपको तीर्यक ऊंचाई दी हुई है तो इसको हम कॉन्स्टेंट मान के थीटा के फलन बना के थीटा के सापेक्ष अवकलन करके, और हमने ये मान ज्ञात कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम एस से लिखे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है π r² + π r l, ये हमें दिया हुआ है। इसमें r और l नहीं दिया हुआ, हमें केवल s दिया हुआ है, पृष्ठ दिया हुआ है, s को हम एज ए कॉन्स्टेंट काम में ले सकते हैं। फिर कह रहा आयतन महत्तम आयतन यानी आयतन अधिकतम होगा आपका, तो एक आयतन होता है शंकु 1/3 π r² h, ये आयतन अधिकतम है। तो इसका क्या करेंगे, या तो r के सापेक्ष कर दो या h के सापेक्ष कर दो, हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो ये फलन है जिसका हमें अवकलन करना है। फिर कह रहा है शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। अर्धशीर्ष कोण अगर हम थीटा माने तो थीटा बराबर अपने को साइन इनवर्स 1/3 लाना है, ऐसा करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शंकु बना देता हूँ। ये बना दिया हमने शंकु। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो अगर हम थीटा के सापेक्ष करना चाहें तो आर और एच को थीटा के पदों में लाना पड़ेगा। आर एच का थीटा के पदों में लाओगे तो एल साथ में आ जाएगा, फिर एल भी क्या आपका वेरिएबल है, इसमें तो सारे वेरिएबल है, आर वेरिएबल, एच वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, एल वेरिएबल है, किसी के साथ भी अवकलन किया जा सकता है, इनमें से कोई चीज कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हमें इसको थीटा के पदों में बदलने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या करना है इन्हीं में से आर में और एच में से किसी एक के सापेक्ष हमें क्या करना है अवकलन करना है। एक चीज और देखो, आपका त्रिभुज अगर हम ए ओ सी ले तो इसमें दो रिलेशन, आपके एक रिलेशन होता है, क्या होता है
आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर, क्योंकि ये समकोणी भुज होता है। अपने पास एक रिलेशन है, ये ऑटोमेटिक रिलेशन बनता है आपका शंकु में पहले से होता है, तो इसको भी काम में ले सकते हैं हम, इसको काम में ले और इसका किसी एक के सापेक्ष क्या करो अवकलन कर दो, तो हम करते हैं। तो आंसर शंकु हमने बनाई थी उसके बारे में बता देते हैं। माना शंकु ए बी सी में आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, सतह तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई एल है। फिर और दिखा गया, अभी और मानना अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस तथा आयतन वी, ये हमने मान लिया, इसलिए एस बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इसको समीकरण नंबर दे दिया एक। इसकी जरूरत हमें कहीं भी पड़ सकती है, ताकि किसी पद को हटाना हो, जैसे आर को हटाना हो या एच को हटाना हो, तो हम यहाँ एस को काम लेंगे, क्योंकि एस अपना कॉन्स्टेंट है, बाकी कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं। तो इतना हो गया था, हम तो उसमें शंकु का तथा वी बराबर आयतन एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर एस समीकरण नंबर दो। अब इसको हटाने की सोचते हैं, तो देखो इसको हटाएंगे तो अपने समीकरण में अगर किसी को हटाना हो, जैसे आर हो या एच हो, किसी घर दो और एक दोनों साथ में हो, तो वो नहीं हटेगा। देखो यहाँ आर की स्क्वायर है और आर भी है, तो आर नहीं हटेगा, इसके अलावा कोई और है तो उसको हटा दो, तो उसके अलावा और कहाँ से लाएं, तो वही लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, शंकु का आयतन लिख दिया, अब इसको समीकरण नंबर देख छोड़ दिया। हम चलते हैं वहाँ त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए ओ सी में चले, तो त्रिभुज ए ओ सी में एक तो हम निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर बट्टा, तो सामने वाले लंब होते लंब बट्टा कर्ण, तो आर बट्टा एल हो गया, आर बट्टा एल, इसको समीकरण नंबर दे दिया तीन। यहाँ से अपने पास थीटा का मान आएगा, अर्थात इसका कोण मान आएगा, तथा दूसरा एक समीकरण अपना ये बन रहा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। हम अब देखो, अब चलते हैं वापस, तो आयतन में हम आर को, आर का मान यहाँ से ला नहीं सकते, तो यहाँ मान तो लाना है, तो आर का नहीं ला सकते, एच का ले, एच का मान कहाँ से आएगा, देखो एच का मान यहाँ से आ जाएगा, तो आपका एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रख देंगे, तो समीकरण दो से वी बराबर हो गया एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर और एच की जगह आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ एच को हटाया तो क्या हुआ, एच को हटा दिया तो एल आ गया, अब एल को हटा दो, एल को कहाँ से हटाएंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से हम एल का मान निकालेंगे, तो देखो ये तो आ जाएगा आपका इधर, तो एल बराबर आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टा, ये आ पाई आर का लगेगा पार, तो पाई आर ये आ गया एल का मान, ये रख देंगे इसमें, तो समीकरण एक से, एक से तो वी बराबर ए पाई आर स्क्वायर बटा तीन और अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले को पहले हल करते हैं, उसके पश्चात में अवकलन वाला देखेंगे, तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर बटा थ्री, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ लघुत्तम में आ जाएगा, देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर लघुत्तम आ गया, तो ऊपर तो बचेगा ये, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो एस का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर आर की घात चार, फिर माइनस टू पाई एस आर स्क्वायर, फिर माइनस ये नीचे वाला इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर की घात चार ये आ गया, तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर बटा तीन गुणा, अब ये अंडरूट वाला ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे वाला अंडरूट से बाहर, तो बट्टा में ये आ गया आपका पाई और आर, क्यों, क्योंकि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर था, तो अंडरूट से बाहर निकला तो पाई और आर बचा। यहाँ देखो आपका एस स्क्वायर
पाई स्क्वायर आर की घात चार, यहाँ पाई स्क्वायर की घात चार से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा माइनस का टू पाई एस आर स्क्वायर, यहाँ पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट जाएगा, तो वी बराबर आर बटा तीन और अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस टू पाई एस आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपका अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में या अवकलन करने में कठिनाई नहीं आए, इसलिए तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा आर, तीन का स्क्वायर नौ, गुणा ये अंडर रूट से हट जाएगा, एस स्क्वायर माइनस टू पाई एस आर स्क्वायर ये आ गया। इसको हम क्या करते हैं, पी मान लेते हैं, माना आप कर देंगे v अधिकतम या न्यूनतम होगा तो v स्क्वायर यानी p भी अधिकतम या न्यूनतम होगा, तो हम कहेंगे चूंकि v अधिकतम तथा न्यूनतम होगा तो v स्क्वायर या p भी अधिकतम या न्यूनतम होगा, इसलिए आपका P बराबर एक बटा नौ, तो हमने बाहर और अंदर क्या किया आर स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो आर स्क्वायर से अंदर गुणा करेंगे तो आपका आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस टू पाई एस आर की घात चार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष, तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो एक तो हमें ये चाहिए लास्ट में, हमें ये चाहिए और एक फलन चाहिए, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बाकी सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, तब इसका अवलोकन करते हैं आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पी का हो जाएगा आपका डी पी बट्टा डी आर बराबर एक बटा नौ आपका ऐसे रह जाएगा गुणा, यहाँ आर स्क्वायर का हो जाएगा टू आर, तो टू आर एस स्क्वायर माइनस टू पाई एस इंटू आर की घात चार है, उसका हो जाएगा चार आर की घात तीन, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर तीन, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, फोर मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा आपका डी पी बट्टा डी आर बराबर जीरो, यानी एक बट्टा नौ गुणा टू आर एस स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा दो चार आठ, आठ पाई एस आर क्यू, ये तो इधर जीरो हो ही जाएगा, अब इसमें देखो एक तो टू और एक एस और एक आर कॉमन आ रहा है, टू एस आर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा एस माइनस फोर पाई आर स्क्वायर, ये बच गया बराबर जीरो, तो हम कह देंगे चूंकि टू एस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि त्रिज्या और आपको पृष्ठ क्षेत्र वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर कौन है, ये इसलिए आपका एस माइनस फोर पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया जीरो, तो एस बराबर फोर पाई आर स्क्वायर आ गया अपने पास मान। अब हमें इस पर क्या करना है, बताना है कि ये आपका आयतन है वो, यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे हमें, लेकिन हमें जरूरत इसकी पड़ेगी, इसको चार नंबर समीकरण दे दिया और आर बराबर हो गया आपका अंडर रूट में एस बट्टा फोर पाई, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आर के इस मान पर हम बताएंगे कि आयतन क्या है अधिकतम में, इसके लिए हमें समीकरण तीन का दोबारा उपयोग करना पड़ेगा, तो समीकरण तीन का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखो समीकरण तीन का आपका ये रहा, तो डी पी बट्टा डी आर स्क्वायर जाएगा डी स्क्वायर पी बट्टा डी आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर पी बट्टा डी आर स्क्वायर बराबर एक बट्टा नौ आपको ऐसे रह जाएगा, फिर आपका टू आर एस स्क्वायर तो आर का हो जाएगा एक और ये हो जाएगा आपका टू एस स्क्वायर, फिर माइनस आपका देखो दो और चार हो गया आठ पाई एस, तो ऐसे रह जाएगा आठ पाई एस ऐसे रह जाएगा, फिर आर क्यूब का हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर ये
अब इसमें हम क्या करेंगे, आर बराबर ये मान इसमें रख देंगे, तो आर बराबर तो डी स्क्वायर पी बट्टा डी आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया आर बराबर हंड्रेड एस बट्टा फोर पाई बराबर एक बट्टा नौ, और ये हो गया टू एस स्क्वायर माइनस आठ या चौबीस पाई एस गुण आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका पास आ जाएगा एस बट्टा फोर पाई हंड्रेड कट जाएगा, इसका भाग तो इसमें लग गया छः बार, पाई से पाई कट गया तो ये हो गया एस स्क्वायर यानी माइनस का छः एस स्क्वायर, तो जिसमें प्लस का दो है तो दो कम हो जाएगा तो माइनस का चार एस स्क्वायर बट्टा नौ, तो जीरो से क्या आ गया छोटा आ गया, तो आप कर देंगे इसलिए आर बराबर अंडर रूट एस बट्टा फोर पाई पर, आर बराबर अंडर रूट एस बट्टा फोर पाई पर आपका शंकु का आयतन क्या है महत्तम है। तो हमने आयतन महत्तम तो बता दिया, हमें करना क्या है, हमें कोण को बताना है। अब कोण को कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास एस बराबर फोर पाई आर स्क्वायर आ रहा है और एक समीकरण ये एस बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं आर में और एल में रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर है आर बट्टा एल, इसलिए तो बाकी सारा मैं अरेंज कर रहा हूँ, तब समीकरण एक और चार से, समीकरण एक और चार से एस की जगह आ गया आपका फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो यहाँ देखो ये फोर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो यहाँ बचेगा आपका तीन पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, क्योंकि एक इधर आते माइनस का हो जाएगा वो कम हो गया, अब देखो पाई से पाई कट गया आर से आर कट गया तो ये आ गया आपका थ्री आर बराबर एल, ये अपने पास से आर और एल में संबंध आ गया, ये हम मान रख देंगे समीकरण तीन में, तो समीकरण तीन से तो साइन थीटा बराबर आर बट्टा एल की जगह थ्री आर हो गया तो एक बट्टा तीन हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, अब साइन को उधर भेज दो थीटा बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स एक बट्टा तीन, और हेंस प्रूव यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था, इस प्रकार से अपना क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैं क्वेश्चन कह रहा था कि आपको प्रश्न दिया हुआ है यानी एस दिया हुआ है और महत्तम आयतन है, आयतन को महत्तम बताना है, उसके बाद में आपको अर्धशीर्ष कोण है वो साइन इनवर्स एक बट्टा तीन निकालना, सबसे पहले हमने प्रश्न क्षेत्रफल निकाला, फिर आयतन लिया, आयतन में आर और एच के दो पद आ रहे थे तो हमने क्या किया, पहले एच को हटाया, एच को हटाया इस फॉर्मूले से, फिर हमने क्या किया एल को हटाया इस फॉर्मूले से, यहाँ से यहाँ पहले एच हटाया यहाँ से फिर एल हटाया तो सारे पद आर के आ गए, फिर हमने उसको थोड़ा सॉल्व किया फिर स्क्वायर किया, फिर हमने स्क्वायर करके स्क्वायर वाला पद उसको पी माना, फिर उसको आर के साथ सॉल्व किया उसको बराबर किया तो हमारे पास आर बराबर आ गया अंडर रूट एस बटा फोर पाई, फिर इस पर हमने दो बार अवगुण किया उसका, उसमें ये मान रखा तो मान आपको ऋणात्मक आ गया तो हमने कह दिया कि आयतन तो क्या है महत्तम है, फिर हमने वापस एस का मान यहाँ रखा, यहाँ से आर और एल में संबंध निकाला, वो संबंध हमने समीकरण तीन में रखा, उसे हमारे पास जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज आठ की विविध प्रश्नमाला है वो कम्प्लीट हो जाती है, आपके जो अवकलन से रिलेटेड जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें से हम क्या करेंगे समाकलन स्टार्ट करेंगे, समाकलन भी आपका जिस प्रकार से अवकलन का चैप्टर थे बहुत बड़ा था वैसे समाकलन भी आपका बहुत बड़े चैप्टर में है, तो आपको जितना अवकलन के बारे में आज तक करवाया वो सारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्यों, क्योंकि अवकलन के आधार पर ही समाकलन है, अवकलन वाली सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी तभी हम समाकलन में आगे बढ़ जाएंगे, वैसे तो अगर मान लो कि आप अगर थोड़ा बहुत आपको कम याद हो या थोड़ा बहुत याद हो तो हम समाकलन स्टार्ट तो कर लेंगे, समाकलन में एक दो पॉइंट तक आपको लगेगा कि हाँ हमें आ रहा है हमें जरूरत नहीं है अवकलन की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अवकलन की जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आपको दिक्कत होती जाएगी, तो इससे अच्छा यही है कि आप पहले से क्या करोगे अवकलन वाले चैप्टर को क्या रखो और आगे जब समाकलन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।